नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 11वीं के अभिव्यक्ति और माध्यम के तीसरे लेसन के 7 क्वेश्चन किए थे। अब करेंगे आगे 8वां क्वेश्चन, डायरी लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। डायरी लिखते समय हमें सहज, व्यवहारिक तथा अंडवरवहीन भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। मानव एवं साहित्यिक भाषा शैली के प्रयोग के मुँह में हम डायरी में अपनी भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। डायरी में भावों को सर्वत्र सहजता से प्रकट होने का अवसर मिलना चाहिए। मन में उत्पन्न भाव अत्यंत सरलता से शब्दों में डालते जाने चाहिए। जो मन के भाव है, मन में उत्पन्न भाव अत्यंत सरलता से आसानी से शब्दों के रूप में हम उसको डालकर लिखते हैं। डायरी लेखन प्रत्येक अच्छी बुरी बात को सहज रूप से लिखा जा सकता है। जो भी बात अच्छी हो या बुरी हो वो डायरी में लिख सकते हैं। इसलिए इसमें भाषा शैली के आडंबरपूर्ण होने का अवसर ही नहीं होता। डायरी में आप अपनी बात जैसे चाहें और जिस ढंग से चाहें लिख सकते हैं। डायरी में जो अपने अपने मन की बात है या अपने भाव है और उसे जैसे भी चाहें, जिस ढंग से चाहें उसमें लिख सकते हैं। यही डायरी की भाषा शैली की विशेषता है। उसकी विशेषता यही है, डायरी की भाषा शैली समस्त बंधनों से मुक्त होती है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। अब करेंगे आगे एनी फ्रैंक का परिचय दीजिए। एनी फ्रैंक का जन्म सन 1929 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। वह एक यहूदी लड़की थी। जब जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए तो वह अपने परिवार के साथ स्टॉकहोम चली गई। जब नीदरलैंड पर नाजियों का अधिकार हो गया, उन्होंने वहां रहने वाले यहूदियों पर अत्याचार किए तो एनी का परिवार जुलाई सन 1942 में एक दफ्तर में गुप्त रूप से रहने लगा। यहाँ से 2 साल बाद उन्हें नाजियों ने पकड़कर यातना कैंप में भेज दिया तथा एनी को इसके 13वें जन्मदिन पर एक डायरी मिली थी, जिसमें उसने जून सन 1942 से अगस्त सन 1944 तक की घटनाओं का वर्णन किया था। सन 1945 ईस्वी में एनी की मृत्यु हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उसके पिता ने एम्स्टर्डम जाकर एनी की डायरी तलाश की और इसे प्रकाशित करवाया। मूल डायरी डच भाषा में लिखी गई थी, जो सन 1947 ईस्वी में अंग्रेजी में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। यह 20वीं सदी की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक मानी गई है। ये थे हमारा 2 क्वेश्चन 8वां और 9वां तीसरे लेसन के। आपने इसको अच्छी तरह लिखना भी है और याद भी करना है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी।
थैंक यू।